हेलो एवरीवन, आज हम क्लास टेंथ की इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट की पोएम द बाल पोएम को समझेंगे। ये जो पोएम है द बाल पोएम, इसके राइटर हैं जॉन बैरीमैन। इस पोएम में क्या बताया गया है, आइए इसको देखते हैं। अ बॉय लॉसेस अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। एक जो बच्चा है उसकी बॉल खो जाती है, वो बहुत दुखी है। A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. तो बॉल की कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती है और न ही बॉल को दोबारा ख़रीदना मुश्किल काम है। Why then is the boy so upset? तो बच्चा क्यों दुखी है? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. तो ये पोएम को पढ़िए और देखिए कि पोएट क्या सोचता है कि बच्चे ने क्या खोया है और इस खोने से या खोने का जो उसका अनुभव है उससे वो बच्चा क्या सीखेगा। यहाँ पर जो बाल ली गई है, एक तरीके से जो हमारी दुनिया में ये जो चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनको लेकर रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए फर्स्ट लाइन से पढ़ते हैं। What is the boy now who has lost his ball? अब वो बच्चा क्या है, मतलब अब वो बच्चा क्या करेगा, कौन सा बच्चा? Who has lost his ball, जिसने अपनी बाल खो दी है। What is he to do? अब ये एक चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये यहाँ पर जो what है ये दो बार आया है, ये रहा what और ये what, दो बार आया है और इसी से ही लाइन शुरू हो रही है बार बार। तो जब एक ही वर्ड से लाइन शुरू होती है तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस होती है वो होती है एनाफोरा। और ये आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में भी देखेंगे, एक ये आ रहा है, इसको मैं अलग कलर से बताती हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे। ये देखिए, मेरी ली, ये दो बार आ गया मेरी ली। तो यहाँ पर तो ये वाट और वाट से शुरू हुआ था, यहाँ पर मेरीली से शुरू हुआ है, तो एक ही वर्ड से शुरू हो रहा है। तो ये यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस आएगी, यहाँ पर आएगी आपकी एनाफोरा। ठीक है, तो ये एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस है इसमें। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या समझाया गया है। तो वो कह रहा है कि वो बच्चा क्या करेगा, What is he to do? वो क्या करेगा। I saw it go merrily bouncing, मैंने देखा वो बहुत खुशी से जा रही थी। कहाँ जा रही थी बॉल? Down the street and then merrily over there it is in the water. वो बाल बड़ी खुशी से सड़क पर गई और सड़क से फिर वो कहाँ चली गई, पानी में। No use to say, oh, there are other balls. अब बच्चे को ऐसा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अरे दूसरी बाल आ जाएगी, क्यों फ़ायदा नहीं है। An ultimate shaking grip fixes the boy, क्योंकि बच्चे को एक ना ख़त्म होने वाला shaking, मतलब झड़झोड़ देने वाला grip यानि दुख। तो बच्चे को एक बहुत ही ज़्यादा दुख है जो उसको हिलाकर रख देगा। और क्यों दुख है? As he stands rigid, trembling, staring down, बच्चा जो है बॉल पानी में जाने के बाद में कैसा खड़ा हुआ है, बिल्कुल रिजिड, पत्थर जैसा खड़ा हो गया है, दृढ़, ट्रैम्बलिंग, कांप भी रहा है वो। स्टायरिंग डाउन यानी नीचे की तरफ लगातार देखे जा रहा है, नीचे की तरफ कहाँ, पानी में देखे जा रहा है क्योंकि वहाँ उसकी बॉल चली गई है। तो इतना दुख उसको क्यों हो रहा है? ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी बाल पानी में चली गई है, और पानी में भी कहाँ, हार्बर। ये देखिए, ये जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है ये हार्बर, हार्बर का मतलब क्या होता है, बंदरगाह, जहाँ पर कि जहाज को बांधा जाता है, समुद्र का ये वो एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। तो वहाँ पर इसकी बॉल चली गई है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो बच्चा उस हार्बर में लगातार देखे जा रहा है क्योंकि बाल पानी में नहीं गई है बल्कि उसके साथ में उसके जो बचपन के दिनों की यादें जुड़ी हुई थी, उसके यंग डेज की यादें जुड़ी हुई थी, वो सब भी बाल के साथ चली गई। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूट ऑन हिम, आप पोएट क्या कह रहा है कि मैं उसे बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। अ डाइम अनादर बॉल इज़ वर्थलेस। अब डाइम मतलब होता है कि 10 सेंट,
जिस तरीके से ये हमारे यहाँ रुपीस चलता है उस तरीके से सेंट चलता है, और 10 सेंट मिलाकर एक डाइम होता है। तो ये जो इतना कॉस्ट है उस बॉल का, या तो हम उस बच्चे को दे दें या फिर उसको दूसरी बॉल लाकर दे दें, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, बेकार हैं बिल्कुल। क्यों? नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशन। पोजिशन यानी ये जो भौतिकवाद है जहाँ पर लोग भौतिक चीज़ें इकट्ठी करते हैं, ऐसी दुनिया में उसकी एक कोई भौतिक चीज़ खो गई है तो उसे सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब पोएट यहाँ क्या कह रहे हैं कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल्स लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट। अब क्यों, क्या होता है, उसको जिम्मेदारी की भावना का एहसास क्यों होगा? क्योंकि इस दुनिया में लोग आपसे बॉल ले लेंगे या आपकी बॉल खो जाएगी। बॉल का मतलब कि कोई भी जो आपकी पसंद की चीज़ है वो या तो लोग आपसे छीन भी सकते हैं या फिर वो जा भी सकती हैं। तो ऐसा हमेशा हो सकता है। एंड नो वन बॉयज अ बॉल बैक, और कोई भी आपको दोबारा बॉल खरीद कर नहीं देगा। इसका मतलब है कि वो चीज़ आपको दोबारा नहीं मिलेगी। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी कैसा है, एक्सटर्नल है, बाहरी चीज़ है। लेकिन पैसा चला गया या बॉल चली गई, उसमें पैसे लगे, वो बात नहीं है। लेकिन बच्चा उससे क्या सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आई, जो उसकी निराश आँखें हैं उसके पीछे उसने कुछ सीखा है। वो क्या सीखा है उसने, उसने सीखा है द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जो खोने का ज्ञान है उसको, है ना, कि खोने का ज्ञान कैसा, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मेन मस्ट मे वन डे नो। तो उस बच्चे ने क्या चीज़ का ज्ञान लिया है कि उसको खोने का ज्ञान हुआ है कि कैसे चीज़ खोती है, फिर कैसे खड़े होना है, और ये हर व्यक्ति को जानना पड़ता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई लोगों को इस चीज़ को जानने में कई दिन लग जाते हैं, हाउ टू स्टैंड अप कि कैसे खड़ा हुआ जाए, यानी कैसे उस सदमे से उभरा जाए। तो ये यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जिस तरीके से बताया गया था कि बच्चे ने कोई चीज़ खोई है, और वो सिर्फ बॉल नहीं खोई है बल्कि क्या चीज़ खोई है, तो उसने अपने बचपन की यादें खोई हैं। वो क्या सीखेगा, तो एक जिम्मेदारी की भावना सीखेगा, और इसके साथ में वो ये भी सीखेगा कि कैसे इस नुकसान को सहन किया जाए, और इस नुकसान को सहन करने के बाद दोबारा पुनः से कैसे खड़े हुआ जाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पोएम है, और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।